भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी चली इस जंग में लोगों की इस वायरस से सुरक्षित रखने में वैक्सीन की भी अहम भूमिका रही है। देश में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हमने जो वैक्सीन लगाई है वो काम करती है या नहीं, या कौन सी वैक्सीन अधिक प्रभावी है, किस वैक्सीन को लगाने से कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा, या कौन सी वैक्सीन का साइड इफेक्ट सबसे कम है, कौन सी वैक्सीन लगवाने से एंटीबॉडी तेजी से और अधिक बनने लगती है। आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। वैसे मार्केट में कई तरह के वैक्सीन हैं, जैसे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, ऐसे कई तरह के वैक्सीन हैं। ऐसे में हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ, जो आपके मन में उठ रहे सवालों के सभी जवाब मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाल ही में रिसर्च के बाद एक स्टडी में पाया गया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई कोविशील्ड भारत की स्वदेशी भारत बायोटेक की कंपनी यानी कि कोवैक्सीन की तुलना में अधिक एंटीबायोटिक्स बनाती है। यानी कोविशील्ड कोरोना को हराने में कोवैक्सीन से बेहतर साबित हुई है। वैसे कोवैक्सीन भी अच्छी है, लेकिन कोविशील्ड ज्यादा प्रभावी है। वैसे ही तीसरा वैक्सीन है स्पुतनिक 5। अब हम जानते हैं कि इन तीनों में क्या क्या फर्क है और कितना प्रभावकारी है। उससे पहले हम आपको ये जवाब दे देते हैं कि आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। तो आपको बता दें कि यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेहत के साथ मजाक कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देश के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट के मुताबिक तीनों ही वैक्सीन कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचाने और मौत को टालने में 100% प्रभावी है। ऐसे में आपके लिए जरूरी यही है कि आपको इनमें से जो भी वैक्सीन मिले उसे लगवा ले। आपकी सेहत और कीमती जीवन के लिए वैक्सीन जरूरी है। अब चलिए हम जानते हैं कि इन तीनों वैक्सीन को कौन बना रहा है। जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाए तो पूरी तरह इसे भारत बायोटेक बना रही है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया है। भारत में इसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। वहीं स्पुतनिक भी यानी कि स्पुतनिक 5 को बात की जाए तो रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि उसकी फंडिंग से बनाया गया है। और जहां तक इसकी इफिकेसी यानी कि इसके असरदार की बात की जाए तो तीनों ही वैक्सीन कोरोना से खिलाफ असरदार है। फिर भी स्पुतनिक 5 की इफिकेसी रेट यानी कि इसकी असरदार रेट सबसे ज्यादा है। और जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाए तो इसकी 77.8% तक असरदार साबित हुई है। वहीं कोविशील्ड की इफिकेसी की बात की जाए तो 62-80% के बीच है। हालांकि अब तक मिले डाटा आधार पर माना जा रहा है कि अगर कोविशील्ड के 2 डोज को 2 से 3 महीने के अंतर में लगाया जाता है तो ये वैक्सीन 90% तक प्रभावी है, जबकि स्पुतनिक 5 की एफिकेसी 91.6% तक है। हालांकि स्पुतनिक 5 वैक्सीन की दावा किया जाता है कि अप्रैल में कंपनी का दावा किया था कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन 97.6% तक प्रभावी साबित हुई है। अब हम जान लेते हैं कि तीनों वैक्सीन कैसे बनी है। कोवैक्सीन पारंपरिक तरीके से बनी है, यानी कि इसमें डेड वायरस को शरीर के अंदर डाला जाता है, जिसे शरीर वायरस को पहचानने और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। वहीं कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 की बात की जाए तो ये दोनों एडेनो वायरस पर आधारित वैक्सीन है। फर्क बस ये है कि स्पुतनिक 5 के दोनों डोज अलग अलग वायरस से बने हैं और कोविशील्ड के दोनों डोज में कोई अंतर नहीं है। अब हम चलिए विस्तार से जानते हैं कि कैसे बना है। कोविशील्ड म्यूटेंट स्ट्रेस के खिलाफ सबसे असरदार और प्रभावी है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर टाइप की वैक्सीन है। कोविशील्ड को सिंगल वायरस के जरिए बनाया गया है, जो कि चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस है। और जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसे पारंपरिक इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब यह है कि इसमें डेड वायरस को शरीर में डाला जाता है, जिसे एंटीबॉडी पैदा होती है और फिर यही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। और जहां तक स्पुतनिक 5 की बात की जाए तो ये एडेनो वायरस 26 और एडेनो वायरस 5 पर आधारित है। ये कोरोना वायरस में पाए जाने वाले कटीदार प्रोटीन की नकल करती है, जो शरीर पर सबसे पहले हमला करता है। वैक्सीन शरीर में पहुंचते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है यानी कि एक्टिव हो जाता है और शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। अब चलिए हम जानते हैं कि इन तीनों का साइड इफेक्ट्स क्या है। जहां तक इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की बात है तो तीनों का साइड इफेक्ट्स एक जैसे ही है। इनमें से किसी भी वैक्सीन को लेने के बाद हल्का बुखार, सर्दी, जुकाम, शरीर में दर्द जैसी शिकायत हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिन तक आराम करना जरूरी है, इसे बुखार और सर्दी की संभावना कम हो जाती है। यदि वैक्सीन लेने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर की सलाह ले और उसी के हिसाब से दवा ले। वैसे तो तीनों वैक्सीन 2-2 डोज ले,
पर दोनों डोज के बीच कितना अंतर है वो भी जान लीजिए। तीनों ही वैक्सीन दोनों डोज वाली है। दो डोज के बीच सबसे ज्यादा अंतर कोविशील्ड में है, जबकि सबसे कम स्पुतनिक 5 में है। कोविशील्ड के दो डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा गया है। वहीं कोवैक्सीन के दो डोज 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर लगाए जा रहे हैं। वहीं स्पुतनिक 5 के दो डोज के बीच 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन का अंतर ही रखना है। अब हम निष्कर्ष में बताते हैं कि कोवैक्सीन 77.8% और कोविशील्ड 62 से लेकर 80% और स्पुतनिक 5 की बात की जाए तो 91.6% एफिकेसी है, यानी कि इसकी असरदार है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जिसकी ज्यादा एफिकेसी यानी कि असरदार है वही सही रहेगा। तो आपको बता दे कि ऐसा नहीं है, तीनों ही असरदार है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर आप एक डोज कोविशील्ड लगाए हैं और दूसरा डोज कोविशील्ड के बजाय दूसरा वैक्सीन मत लगाइएगा, जो आप पहले लगाए वही वैक्सीन लगाइएगा। यही अगर दूसरा लगाए तो आपको असर हो सकता है। हाँ तो दोस्तों, आप सब ने टीका लगवाया है या नहीं कमेंट में जरूर बताइए। अगर लगा लिया है तो कौन सी वैक्सीन लगाया है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द लगवा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।